नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सच जानने के लिए डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं आखिर सच्चाई क्या है, क्या समाज को संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा की जरूरत है। करते हैं लोगों से सीधी बात। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? सत्तर कौर। माता जी, थोनू की लगता किस समाज नु अज जरूरत है बाबा राम रीम जी की? हाँ जी, साडी आने वाली जिंदगी च सानू जीण दा, सानू समाज च रहण दा गुरु जी तो शिक्षा लई आ। हुण सानू आए साडे आने वाले बच्चे पीढ़ियां नू नवियां नू गुरु जी की बहुत लोड़ है। समाज च नशे बढ़ रहे हैं, गुरु जी की कृपा नाल ही साढ़े ते जिंदगी ते बाहर आई हुई है साढ़े परिवार। जिवें हुण उन्हां दे सत्संग नहीं होए दो साल लगातार, की फर्क आया समाज ते? बहुत फर्क आया गा। किथे हुण संगत बच्चे जुड़न, अज नवे बच्चे, हुण पुराने तो सानू तो सतगुरु ने जिहड़े कम करे सानू तो विश्वास है, अज तां भुल नहीं सकदे गे। असीं हुण चाहुंदे आ वी आउण वाले बच्चों नू वी सतगुर के दर्शन करन ते जिउणा सिखण। अजकल समाज च की बुराइयां वध रहियां ने, गुरु जी तो बिना तो मुश्किल है। की काम किए उन्होंने समाज के? बहुत कम किए हैं, सानू जीना सिखाया भी आपकी सेहत आपकी जिंदगी का ठग्गा ठौली ना करो, भला करो हरेक का। हाँ, बुराइयां तो बचाया, जब साढ़े अंदर भले ही भरता से बुरा करेंगे ने, समाज तक की करना से आप नहीं कर सकते। सतगुर ने सिखाया, सानू पता ही नहीं सीगा ये गल्लां दा। थोनू अज विश्वास है उन्होंने? हाँ पूरा इन्ना विश्वास है थोनू, लेकिन मीडिया ने कुछ और दिखाया, वो बारे की कहो ना? वो मीडिया पर मैं कुछ करी जावे पर मालक मालक ही है। अज सरकार नू की अपील करोगे तुसी? असीं अपील ये करदे वी साडे सतगुरु ने सानू शिक्षा दित्ती, असीं तां उत्थे खड़े उहनू उड़ीक रहे हैं। तुसीं जो मर्जी झूठ फरेब करो कुछ करो, पर साडा सतगुरु ही। थैंक यू सो मच।